प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्व दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे बज हुए तिन कुंजा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतल। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा था है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीब जो सुमरह सिद्ध होई ही गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई ही पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं आदंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषिदाता सोई अवगत गुणे अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष समुगावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राजावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उत्तर है बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उत्तर है बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करू दरू चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊँ मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं
जो देवो सुख जय इब कै सत गुरु मिले सब दुख आखों रोए चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो करनी हो कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाही कबीर तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं शिव ब्रंच मुनि नारदा तिन के हृदय न समाऊं अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हारे भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन उतारो अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज मैं अपराधी जन्म का नख सिख बरे विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग सुनने को मिल रहा है सौभाग्य है उन पुण्यात्माओं का जिनको मानव शरीर प्राप्त है उससे भी सौभाग्यशाली वो प्राणी है जिनको सत्संग प्राप्त होता है मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माँ सतगुरु सेवा और बंदगी बाई फेर मिलन की ना मनुष्य जीवन के अतिरिक्त भी आप जी को माता पिता प्राप्त हो सकते हैं परिवार प्राप्त हो सकता है पशु बनेंगे तो पशु हमारे माता पिता होंगे पक्षी बनेंगे तो पक्षी हमारे माता पिता मिल जाएंगे ऐसी ही ममता ऐसा ही लगाव उनमें भी होगा लेकिन मानव शरीर में फिर सतगुरु की सेवा सतगुरु परमात्मा मिलना सतगुरु का मिलना और परमात्मा की भक्ति ये उन शरीरों में आपको प्राप्त नहीं होंगे अन्य योनियों में तो इसलिए परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म पाय कै मानुष जन्म पाय कै नहीं रट हरि नाम जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम मानुष जन्म दुर्लभ है ये मैलन बारंबार तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लागे डार परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी प्राणियों के एकमात्र रक्षक हैं ये हमारे पालक हैं ये हमारे पिता हैं ये हमारे जनक हैं उसके अतिरिक्त जो भी हमारे यहाँ मुखिया बना रखे हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये इस एक ब्रह्मांड के एक विभागीय मंत्री हैं मिनिस्टर हैं रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के शंकर जी ये तीनों भगवान भी आदरणीय हैं ये हमारे केवल किए हुए कर्मों का ही
योग हमें प्रदान कर सकते हैं। यदि आप जी ने कोई पाप किए हैं तो पापों का दंड भी ये हमें भुगतवाएंगे। आप जी के पुण्य हैं तो आपके पुण्य भी ये पूरे आपको जलवाएंगे। लेकिन हमारा मालिक, हमारा पिता, सबका स्वामी, कुल धनी एक ही है। वो कुल मालिक कबीर देव है, वो अल्लाह कबीर है, वो पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष सतलोक में रहता है, अमर लोक में रहता है, शाश्वत स्थान पर रहता है, सनातन परमधाम में वो परमात्मा रहते हैं। वहाँ से सभी असंख्य ब्रह्मांडों का वो कंट्रोल करते हैं। प्रत्येक प्राणी को वही सब व्यवस्था करके यहाँ पर देते हैं। उन्हीं के आदेश से ये सभी यहाँ के स्वामी, यहाँ के मालिक ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और ज्योति नरेंद्र ब्रह्म और दुर्गा जी, ये आप जी को वो व्यवस्था देते हैं जो परमात्मा के चरणों में किए हुए पुण्य आपको प्राप्त होते हैं, संचित आपके पास हैं, और जो पाप आप करते हो उनका भी भुगतान यहाँ के ये स्वामी भगवान प्रभु ही करते हैं। लेकिन हमारा मालिक सुख देने वाला, दुखों का विनाशक, पाप कर्मों से जो होने वाले कष्ट उनके निवारण करने वाला एक ही परमेश्वर है, जिसका नाम कबीर देव है। हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब कहने लगे, साहब कहो, देव कहो, राम कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ये उपमात्मक शब्द हैं। लेकिन वो सच्चा साहिब, अब उसको सत साहिब क्यों कहा गया? क्योंकि सत माने अविनाशी, साहिब माने प्रभु, अविनाशी परमात्मा। ये अन्य भी भगवान कहलाते हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और श्री दुर्गा जी, और ये ज्योति निरंजन ब्रह्म जी, ये भी स्वामी हैं, ये भी साहब कहलाते हैं। लेकिन ये सच्चे साहिब नहीं हैं, ये वास्तविक प्रभु नहीं हैं। पुण्यात्माओं, ऐसी बातें जो ये दास बोलता है और अज्ञान के आधार से, हम लोक वेद के आधार से इतने आरूढ़ हो चुके हैं, हम इस गलत ज्ञान को, इस शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को सुनते सुनते बहरे हो चुके हैं, और हमने यही मान रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, नाशवान नहीं हैं, ये अजर अमर हैं। लेकिन इनका इतिहास, इनकी जीवनी में लिखा है कि नाशवान है और ये परमात्मा नहीं है, प्रभु स्वामी नहीं है, ये ईश नहीं है, ये सच्चे साहिब नहीं है। और इस बात को यदि बगैर प्रूफ के, बगैर प्रमाण के आप जी को बताया जाए तो आप जी फटक जाओगे, बिदक जाओगे, आप सुनने को भी तैयार नहीं होगे अगले वचन को। इसलिए दास का प्रयत्न रहता है कि जहाँ भी कोई मन के अंदर शंका उत्पन्न हो, वहीं पर एक ऐसा प्रमाण दे दिया जाए जिससे ये मन आप जी को, इस सच्चे साहेब की कथा को सुनने के लिए बाधक ना बने। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा प्रमाण देते हैं, और समझदार को संकेत ही बहुत होता है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद बनु कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर, 123 पृष्ठ पे तीसरे स्कंद में